हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी न भूल पाएंगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। हजरत, बेपनाह मुसर्रत हो रही है कि खुदा की कसम, आज खिलाड़ी शरीफ की सरजमीन पर सरकार रफ़ी के मिल्लत ने जिस सरजमीन को सींचा है और यहाँ इस पूरे इलाके में मसलके आला हजरत का झंडा गाड़ा है, आज भी उसकी खुशबू यहाँ महसूस की जा रही है। और खुदा की कसम, हजरत रफीक मिल्लत के नक्शे कदम पर चलते हुए उनका शहजादा हजरत गुफरान रजा रजवी साहब किबला और उनका पोता हजरत सईद अहमद रजवी साहब किबला इस कदर मसलके अहमद रजा के झंडे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि नस्लन बादा नस्लिन इंशाअल्लाह यह सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व ताला दीन के इस गुलशने मसलके अहमद रजा के इन तमाम तर फूल और महकते हुए गुल को सलामत रखे। मैं सरकार रफीक मिल्लत की बारगाह में चार मिसरे पढ़ रहा हूं, चूंकि जलसा बिल्कुल आखिरी दौर से गुजर रहा है। मेरी एक गुजारिश ये होगी कि बहुत सारे लोग करीब आकर के बैठ गए हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अगर आप लोग दो कदम आगे बढ़ जाइएगा तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्या? मैंने आप ही लोगों से, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, अगर कुर्सी लेके करीब आ जाइएगा तो कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? मेरा दावा है कि अगर आप करीब आ जाएंगे तो खुदा की कसम रफीक मिल्लत की रूह कब्र अनवर से देख रही है कि जो हमारे दीवाने हमारे उस शाख जलसे में आए हैं हमारे नाम पे लब्बैक कहते हुए जिक्र रसूल सुनने के लिए बेचैन है। सुभान अल्लाह। जरा सा आप लोग भी अगर दो कदम आगे चले आते तो बड़ा अच्छा हो जाता। अलग टोली बना करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग समर्थन वापस ले लिए हैं। अरे नहीं, आ जाइए भाई। देखिए, नबी रहे रफीक मिल्लत बैठे हुए हैं, साहब सज्जादा शहजादा रफीक मिल्लत बैठे हुए हैं, उलमाए किराम का हसीन काफिला मौजूद है। ये कबूलियत का वक्त है। अगर आप थोड़ी देर आगे आकर के बैठ जाएंगे, नबी रहे रफीक मिल्लत नाशिर मसलके आला हजरत मुसलिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सईद अहमद साहब किबला, जो इस वक्त मुंबई से लेकर खलारी शरीफ तक मसलके आला हजरत का काम अंजाम दे रहे हैं, तर्जमानी फरमा रहे हैं, आप ऐसी शख्सियत का खिताब सुनेंगे और उसके बाद सलातो सलाम होगा इंशाल्लाह। आप लोग भी थोड़ा अगर करीब आ जाते, आप लोगों का रुख उधर है और पुश्त स्टेज की तरफ है, थोड़ा इसका ख्याल करें। अदब का तकाजा ये है कि आप या तो इधर मुड़ जाएं या दो कदम आगे चले आएं तो बड़ा अच्छा होगा माशाल्लाह। हजरत इजाजत दें तो मैं एक मतलब एक शेर पढ़ूँ क्या? अगर उलमाए किराम आप लोग भी थोड़ा आगे चले आते तो बड़ा अच्छा हो जाता। आ जाइए ना, तलबाए किराम से मोहब्बत से गुजारिश है। अल्लामा यूनुस साहब की बिला अभी तशरीफ फरमा है माशाल्लाह। हुजूर तशरीफ लाया जाएंगे, हजरत बैठा जाए, आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत तशरीफ लाए माशाल्लाह। रूहानियत का वक्त है माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि आखिर वक्त में एक दो शेर सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह नबी रहे रफीक मिल्लत तशरीफ लाने वाले हैं माशाल्लाह। आइए जिंदाबाद हुजूर। अब एक मर्तबा जरा अपने अपने हाथों को परचमे इस्लाम बनाइए और पूरा मजमा उस जाते मुकद्दस के नाम पे सुभान अल्लाह कहिए कि जो जात अगर इस इलाके में अपना कदम नहीं लाता, वो जात जो इस इलाके में मुफ्ती आजम हिंद का पैगाम आम नहीं करता, तो आज इस पूरे इलाके के मुसलमानों के साथ अकीदे के हवाले से क्या मामला होता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये हजरत रफीक मिल्लत का एहसान है कि इस इलाके में चाहे महफिल जो भी हो, महीना जो भी हो, मौका जो भी हो, ये रफीक मिल्लत की कदम की बरकतें हैं कि हर छोटी बड़ी महफिलों में भी मसलके आला हजरत का नारा लगता है माशाल्लाह। तो एक मर्तबा हाथों को लहराएं और पूरा मजमा झूम के सरकार रफीक मिल्लत के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से बोलिए, अभी भी सारे लोगों का हाथ नहीं उठा है, सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। सारे हजरात एक मर्तबा हाथ उठाएं, जरा अहले मेंबर हजरात भी, अहले मेंबर हजरात भी एक मर्तबा झूम कर हाथों को लहरा लें और पूरा मजमा जरा झूम के कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। चार मिसरे में पढ़ता हूं बिल्कुल ताजा तरीन हुजूर। आफताबे इल्मो हिकमत साहबे किरदार हैं, रफीक मिल्लत सरकार की बारगाह में मौलाना अकबर साहब, आफताबे इल्मो हिकमत साहबे किरदार हैं,
मसलके अहमद रजा के एक अलम बरदार हैं, आफताबे इल्मो हिकमत साहबे किरदार हैं, मसलके अहमद रजा के एक अलम बरदार हैं। कितना ऊंचा है रफीकुल कादरी का मर्तबा, अजहरी सरकार जिनसे मिलने को तैयार हैं। कितना ऊंचा है रफीकुल कादरी का मर्तबा, कितना ऊंचा है रफीकुल कादरी का मर्तबा, अजहरी सरकार जिनसे मिलने को तैयार है, अजहरी सरकार जिनसे मिलने को तैयार है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक कथा और पढ़ दें क्या हजरत की शान में? पढ़ दें भाई। अरे हाँ हूँ, कुछ तो कहिए आप लोग, जरा जोर से बोल दीजिए, जरा मोहब्बत के साथ एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। चार मिसरे बस तेजी के साथ पढ़ता हूँ हजरत की बारगाह में, चूंकि आखिर वक्त है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये चार मिसरे हुजूर रफीक मिल्लत ने कबूल कर लिया तो इंशाल्लाह हम सब यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहां भी कामयाब रहेंगे। ताहिर भाई चार मिसरे सुनिए कि ना तख्तो ताज की चाहत, उलमाए किराम की खास तवज्जो, साहबे सज्जादा हजरत अल्लामा डॉक्टर गुफरान रजवी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली बैठे हुए हैं, जो आस्ताना आलिया कादरिया बरकातिया रजविया रफीकिया की तमाम तर जिम्मेदारियां अपने सर रख कर और मुस्तकबिल में नबी रहे रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा सईद अहमद रजवी साहब क़िबला के कंधों पर देने की मुकम्मल तैयारी, और हुजूर रफीक मिल्लत के उर्से मुकद्दस की बरकतों से हम सब माला माल हो रहे हैं। यह हसीन मौका है, सुने, न तख्तो ताज की चाहत में और न दुनियादारी में। देखें हजरत, और अल्लामा यूनुस साहब क़िबला के कदमों का बोसा देते हुए और दीगर उलमाए किराम, न तख्तो ताज की चाहत में और न दुनियादारी में, गुजारी जिंदगी दीने नबी की आबियारी में। ताजा शेर है बिल्कुल। न तख्तो ताज की लालच में और न दुनियादारी में, गुजारी जिंदगी दीने नबी की आबियारी में, यहां पर मसलके अहमद रजा है इसलिए जिंदा, खलीफा मुफ्ती आजम का लेटा है खिलाड़ी में। यहां पर मसलके अहमद रजा है इसलिए जिंदा, यहां पर मसलके अहमद रजा है इसलिए जिंदा, खलीफा मुफ्ती आजम का लेटा है खिलाड़ी में, खलीफा मुफ्ती आजम का सोया है खिलाड़ी में। बड़ी अच्छी और बड़ी नफीस और बड़ा मुरस्सा कलाम पेश किया हमारे ताहिर हुसैन साहब चुल्ला ने, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीन अंदाज में मनकबत इमाम हुसैन से आप तमाम हजरात को नवाजा। अब आइए हजरात, बिला ताखीर मैं उस ज़ात अकदस की बारगाह में चल रहा हूँ जो इस वक्त सैयद अमीनुल कादरी साहब चुल्ला को रुख्सत करने के बाद आप सबको दुआओं से नवाजने के लिए, दुआया कलेमात से फैजयाब करने के लिए, यादगार हुजूर रफीक मिल्लत, मजहर हुजूर रफीक मिल्लत, नबी रहे हुजूर रफीक मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना सईद अहमद रजवी साहब क़िबला उस्ताद दारुल उलूम फैजान इमाम अहमद रजा अंधेरी मुंबई व खतीब व इमाम सुन्नी हनफी बरेलवी जामे मस्जिद जोगेश्वरी मुंबई, मुकम्मल इस्लामी शान शौकत और कायदाना अजमत वक़ार के साथ स्टेज मोहब्बत पे तशरीफ़ फरमा जलवाबार हैं। हजरत की खिदमत में मैं बिला ताखीर अर्ज गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ़ लाएँ और दुआया कलेमात से अब तमाम दीवानों को, तमाम उशाक़े रफीक मिल्लत को नवाजें, और उसके बाद अदब एहतराम के साथ इंशाअल्लाह हजरत दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे, आपको उसमें मौजूद रहना है। आइए नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे रफीक मिल्लत, शहजादे रफीक मिल्लत, उर्से रफीक मिल्लत, खिदमाते रफीक मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।